बाजार में 338 अंकों की उछाल देखी जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शेयर बाजार ने एक बार फिर इतिहास रचा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 60,000 के पार पहुंच गया है। 60,224 अंकों पर सेंसेक्स 338 अंकों की बढ़त के साथ पहुंचा है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, बड़ी खबर, शेयर बाजार ने 60,000 का आंकड़ा पार किया है, वजह क्या रही और कैसे देखें इस उछाल को? जी, शेयर बाजार तो एकदम बम है। ऐसा है कि कल यूएस के फेड ने डिसीजन लिया था कि धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिसके वजह से यूएस का मार्केट 1% ऊपर बंद हुआ था और उसी का ये इंडियन मार्केट में रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। जी पीयूष, भारतीय निवेशकों के लिहाज से इस खबर को कैसे आके, कितनी अच्छी खबर है और भविष्य के लिहाज से? मार्केट के लिए तो खबर बहुत अच्छी है और ये जो रैली दिख रही है ये ऐसा नहीं कि कुछ सेक्टर्स में दिख रही है, ये बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रैली है। बट मार्केट एक्सपर्ट का यही कहना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट एंट्री करते हैं तो बहुत सोच समझ के जिस स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल जिनका स्ट्रांग है उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करें और पंटिंग ना करें। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, करेक्शन की गुंजाइश भी भविष्य में दिख रही है? जी, करेक्शन की गुंजाइश काफी हद तक भविष्य में दिख रही है, क्योंकि जब जब सेंसेक्स में उछाल आया है अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि हमेशा करेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार का जो बुल रन जो कि कोविड मार्च अप्रैल के बाद चालू हुआ था, जब सेंसेक्स 22,000 था तो 22,000 से अभी 60,000 हो गया है, इस पे कोई खास करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए करेक्शन की काफी हद तक गुंजाइश है। ABP News आपको रखे आगे।